हो रहा है। लंच में परांठे बना दूँ तेरे? लच्छे वाले। ओह लच्छे वाले। हाँ लच्छे वाले, जय माता जी की तो कर दे माता जी की। फटाफट रेडी हो जाओ। ओरिजिनल लच्छे समझते थे ना, एकदम परफेक्ट वाले, वो वाले नहीं बनाती मैं। इसके लिए आटे का है और सारी पैकिंग हो गई चीजों की। हाँ बाय, पधारो अभी स्कूल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय मकरनी, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। आई होप आप सभी फिट होंगे, हेल्दी होंगे। आप सभी ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल निकिता राजावत। शुरू कर दें आज का ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है तो ये मैंने सोचा, जब मैं काम करती हूँ ना ओढ़ने का, तब लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है कि कैसा गोटा लगवाएं, कैसा करवाएं, और कई लोगों की ओढ़ने भी बिगड़ जाती हैं। और वो ओढ़ने कैसे बिगड़ती है कि इनमें आती कांड। कांड का मतलब पहले तो अपन को पता नहीं चलेगा ओढ़ने में, लेकिन बाद में पता चलता है जब अपन गोटा लगवा लेते हैं। उसके बाद में वो तिरछी आडी टेढ़ी बाकी हो जाती है ना ओढ़नी किनार से, ये जो ये वाला जो साइड होता है यहाँ से लहर ऐसा बन जाता है। तो इसी की जानकारी दी जाए जो के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और जिनको नॉलेज है, जिनको पता है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिनको पता नहीं है, कईयों को पता नहीं रहती है, तो जिनसे आप गोटा लगवाते हैं, पिको करवाते हैं, वो कैसा भी लगा के दे दो आपको वो पहननी पड़ती है। मुझे लगा मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, ये जानकारी शेयर करूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, और उसके बाद आपको यदि कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं। और कान है ना, ये जो किनारे होते हैं ना, ये जो पल्ला होता है, ये नहीं, ये तो बड़ा वाला है, ये एक तो ये बड़ा वाला पल्ला होता है और एक ये छोटा वाला होता है। कान होती है छोटे वाले पल्ले में, और ये कान किस में निकलती है, बिना बॉर्डर का जो ओढ़ना होता है ना उसी में निकलती है, और जो जिसमें बॉर्डर ओढ़ नहीं है, सॉरी, बॉर्डर वाले में बहुत कम कांड निकलती है, और ज़्यादातर है ना कांड उसी में होती है, टेढ़ा तिरछा कपड़ा उसी के अंदर होता है ओढ़ने का। और जो ऐसे वाले होते हैं इनमें होती ना तो ईजिली रिमूव हो जाती है, ईजिली निकल जाती है। जैसे कि मैंने इसमें हटा रखी है, हल्का सा यूँ फोल्ड किया, कैसे निकालते हैं कांड वो भी मैं आपको बता दूँ। हल्की सी ओढ़नी फोल्ड करी, बस इतना सा कपड़ा, इतना सा फोल्ड किया, यहाँ से कट लगाया, पकड़ के एक बार में खींच के फाड़ दो। बता रही हूँ कि लास्ट ओढ़ना ही, और इसका मैंने निकाल दिया पहले ही लगाने के लिए। देखो एकदम सीधा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है लेकिन आप ये देखो फाड़ने से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन आप ध्यान से करना। बॉर्डर वाले में प्रॉब्लम आती है, बिना बॉर्डर वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और आप देख सकते एकदम सीधा ओढ़ना है, एकदम सीधा फाड़ के मैंने इसकी कटिंग की है। कटिंग अभी नहीं करी, बस फाड़ा हुआ दोनों तरफ से। काफ़ी कान आती, काफ़ी ज़्यादा, इससे ना डिज़ाइन बिगड़ जाती है, वो अच्छे से नहीं आता इसे ओढ़ने, ऐसे ओढ़ने का। देखो एकदम सीधा है ओढ़ना, कई बार ज़्यादा भी कांड निकल जाती है तो उसका ध्यान रखना आपको। मैं आपको ट्रायल करके बता ही देती हूँ, नहीं तो आप कहोगे जीजा हमें समझ में नहीं आया। ये है ना, ये देखो, ये इस ओढ़ने के कांड का कपड़ा निकाला हुआ है, देखो कितना बड़ा सारा है, यहाँ से तो बड़ा है और यहाँ से छोटा है, देख सकते हैं। और आपको मैंने कहा था धागा निकालने वाला, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके किनारे से अच्छे से देख लीजिएगा, एकदम कम कपड़ा ऐसे फोल्ड कर लो, कैसे, ये आपका ओढ़ना है पल्ले वाला, एकदम कम, मैंने एकदम कम मामूली से लिया है, ये देखिए बिल्कुल कम है, ये बस इतना सा ऐसे करके एकदम सीध में कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद इसको ऐसे पकड़ के ये ऐसे कट लगा दो, ये हल्का सा कट लगाया, आप देख सकते हैं मैंने इतना सा ही कट लगाया। अब आपको धागा निकालने, तो मैं आपको वो क्लियर अच्छे से बता देती हूँ। जो फाड़ने से तो क्या कभी कभी दिक्कत हो जाती है, जिनको अच्छे से एक्सपीरियंस है वो तो ईजिली कर लेगा, लेकिन धागा निकालने वाला आप ईजिली कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें धागे निकल रहे हैं, क्लियर कैसे दिखेगा मैं ऐसे, आप इसको थोड़ा सा ऐसे करोगे ना इसमें से, देखो एकदम बीच में से, ये देखो ये मैंने धागा निकाल लिया, देखो एक धागा पकड़ के ऐसे 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 करके धागा निकाल लीजिएगा,
ये देखो ऐसे आराम से खींचते जाएगा, मैं आपको अच्छे से क्लियरली बता रही हूँ। ये धागा मैंने निकाल दिया, मैं आपको अभी जस्ट ट्रायल ही बता रही हूँ। ये देखो आप, इसमें एक लाइन बन गई है, दिख रही है आपको? ये देखो ये लाइन दिख रही है ना आपको नीचे की साइड से, जहाँ तक मैंने धागा खींचा वहाँ तक ये लाइन बन चुकी है, उसके आगे नहीं है। आप दिख रही है? अब मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी। धागा निकाल, जहाँ तक आपको ये लाइन दिख रही है, जहाँ तक आपको ये लाइन दिख रही है वहाँ, ये देखो जहाँ तक लाइन दिख रही है वहाँ तक आप कटिंग कर ले। फिर वहाँ पर फिर से आप ऐसे ही ऐसे करके फिर से एक बीच में से एक धागा पकड़ ले। मैंने पूरा कटिंग नहीं करी, ये देखो ऐसे करके धागा निकाल लेंगे ना। मैं फाड़ने वाला भी आपको दिखाती हूँ कैसे होते हैं। फिर से हल्का सा कट लगाएं, ये देखो ये छोटा सा कट लगा दिया है मैंने, एकदम किनार से कट लेना, ज़्यादा कट नहीं लगाना है, ज़्यादा लंबा अंदर की साइड से नहीं लेना, ओढ़ना छोटा पड़ जाएगा आपका। तो देखो ये मैंने किया है, ये देखो ऐसे फाड़ के कपड़ा होगा वो निकल जाएगा आपका। और फिर बाद में आपके ये जो धागे रहेंगे, ये जो धागे रहेंगे ना, इनको आप इजिली कैंची से काट लीजिए, इससे आपकी पूरी कान निकल। ये देखो मैंने आपको बताया था बॉर्डर के जो ओढ़ने होते हैं उसमें कान कम निकलती है, देखो थोड़ा सा बांका टेढ़ा रहेगा, ये एकदम सीध में गोटा नहीं लगता है इसका। मेरी तो कोशिश यही रहती है कि अच्छे से कान निकाल दूँ, अच्छे से एक्स्ट्रा कपड़ा जो डिज़ाइन बिगाड़ता है उसको निकाल दूँ, और लेकिन फिर भी बॉर्डर वाले में कहीं ना कहीं तो रह ही जाता, ढंग से नहीं हो पाता ये। और ये जो पीको करा है मैंने इस ओढ़ने पे, इस ओढ़ने में जो पीको है ना, ये देखो कोई अच्छा लुक नहीं आ रहा है। अब करवाने में तो करवाते लोग, लेकिन लेडीज़ करवाती हैं, लेकिन ये देखो आप एकदम इतना खास लुक नहीं आ रहा लास्ट तक, और ये धुलने के बाद सब बेकार हो जाता। और जो ये लगाया है मैंने, ये देख सकते हैं आप, ये वही गोटा है जो मैंने पिको में यूज़ किया है, एकदम अच्छे से लग रही है। ये घूमेगा भी नहीं, राउंड राउंड में भी नहीं आएगा, और आजकल चल रहा है बिना दिखने वाला धागा, ये है कॉपर कलर का धागा। ये देखो ये कॉपर कलर का धागा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, एकदम बारीक बारीक आई हुई है धागा इसमें। और इसको मैंने गोटा लगा दिया, इस पिको का मैंने गोटा लगाया जो बिल्कुल भी राउंड राउंड नहीं होगा, और इतना प्यारा लगता है, ये देख सकते हैं आप, सुंदर लग रही। पीको की जगह बारीक गोटे का ये लगवा सकते हैं गोटा ओढ़ने पे, और अच्छे से कानवा निकलवाइए, जिसमें बॉर्डर है उसमें कम कर लीजिएगा, कम निकलवाइएगा, और जिसमें बॉर्डर नहीं उसमें अच्छे से निकल सकती है। और गोटा लगाने के बाद समेट के आप गद्दे के नीचे रख दीजिएगा, जिससे एकदम प्यारी फिनिशिंग आएगी। देखो एकदम जमा हुआ है ना, बिल्कुल भी कहीं से उखड़ा उखड़ा सा या फिर बांका टेढ़ा नहीं, एकदम फिनिश लुक है इसका। हाँ, इससे दो नंबर एक्स्ट्रा भी आता है थोड़ा बड़ा, वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये वाला, ये उससे एक नंबर बड़ा है ये गोटा, देख सकते हैं आप, इसकी चौड़ाई कम है। क्लियर नहीं दिख रहा क्या मुझे? तो चमक इसकी नहीं दिख रही, ये है और एक बड़ा वाला, देख सकते हैं आप साइज में डिफरेंस है ना। और एक कहाँ रख दिया मैंने, एक ये वाला साइज, इस वाइट वाले में छोटा साइज खत्म हुआ है, और ज़्यादातर ये लगवाते हैं लोग पीको में, ये वाला यूज़ होता है, अब गोटे में भी ये यूज़ होने लगा है। और ये बहुत कम लगवाते हैं, ये तो जैसे कोई प्योर का ओढ़ना होता है या फिर कुछ हैवी वर्क का ओढ़ना होता है उसमें ये वाला यूज़ होता है, बाकी ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है और ये वाला, ये दो साइज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैं मार्केट गई थी जिस टाइम मैं पूरा ये पूरा लेके आई थी, इसमें मेरे पास देखो जो ये साइज था ना सब खत्म हो गया, टोटल खत्म हो गया, जो बड़े साइज के वो अभी तक मेरे पास पड़े। जब 400 के 500 के कितने के थे, 500 के गोटे जमारे सब लेके आई थी, और छोटे साइज के ज़्यादा लेके आई थी मैं कॉपर कलर में, अब बस ये इतना ही है। ये भी मैं मार्केट से यहीं से यहाँ पे नहीं, ये मार्केट से लाई थी सारा एकदम बल्क क्वांटिटी में, छोटा वाला एक भी नहीं बचा, एक भी, सब छोटे ही लगवाते हैं, और बाकी ये बड़े वाले देखो सब पड़े हैं। मैं बता सकती हूँ तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मकरनी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अनदर इन्फॉर्मेशन के साथ में। आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।